आओ रॉबर्ट आओ, ले आए इन सबको। क्या हुआ? यस सर, ये रही चारों अलग अलग सूरतें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस ये है मिस्टर जॉनी, अपने आप में एक अजीब शख्सियत। इनका फन है कि किसी भी चीज को एक बार देख लेने से ये उसको अपनी आंखों के कैमरे में कैद कर लेते हैं और मौका मिलते ही उसे खत्म कर देते हैं, वो भी सबूत के साथ। वंडरफुल, वंडरफुल। सर ये है मिस्टर जॉन, अपने आप में बेजोड़ और दुनिया के सबसे बड़े तिजोरी तोड़। इनका दावा है कि दुनिया का कोई भी ऐसा ताला, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, इनकी परछाई से भी डरता है। आई लाइक इट। सर ये है मिस्टर जनार्दन, वक्त के शहजादे, मगर हालात और बेवफाई ने इनको बेरहम बना दिया है। अब ये आलम है कि जब तक ये एक दो कत्ल न कर लें, इनको चैन नहीं। बस यही है इनका पेशा। आई लाइक इट। और सर आखिर में इनसे मिलिए, ये है मिस्टर अब्दुल्ला, चंबल के शेर, दौलत के दुश्मन। इनका दावा है कि कानून इन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ सकता। बस यही है इनकी तारीफ और यही है इनका तारुफ। गुड, वेरी गुड। हमें बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। रॉबर्ट, इन्हें अंदर ले जाओ और पूरा प्लान सही सही तरीके से समझा दो। हमारा मिशन कल ठीक 10:35 पर स्टार्ट होगा। याद रहे, टोना बैंक। बैंक नहीं लूटना, 20 लाख के हीरे लेने। हेलो पुलिस स्टेशन, बीस लाख के हीरे। शर्मा, बैंक रॉबरी हो गई है, तुम भी चलो। यस आओ, तुम भी चलो। सर भागने के पाए, गोली चलाइए। रुक जाओ। आ, आ, आ। कंधे पर मिलता हूं। जानता हूँ साहब वो कहाँ गया होगा, जरूर चंपा भाई के कोठे पे गया होगा साहब। हाँ चंपा भाई के कोठे पे। आओ तुम लोग मेरे साथ चलिए साहब। Ah!
चंपा भाई अभी तो शांति है। नहीं आप उनका नाम सलीम है क्या? सलीम आया साला सलीम का बच्चा अरे कहीं वो लोग यहां तो नहीं आ गए
चल बेटा फूट चल यहां से। साला दादागिरी करता है, कहां गया वे? लगता है भाग गया साला। भागा नहीं भगा दिया गया। कौन है भाई? तुम्हारा बाप। बोल कहां गया मेरा साथी, बोल। कोई फायदा नहीं, लगता है साला भाग गया। साला झूठ बोलता है। पता पता अब्दुल्ला कहां है? चल हरामजादे चल चल मेरे साथ। हरामजादे सच सच बता दे मैं कहां गया जानता, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो ये रिवॉल्वर की निकली हुई गोलियां एक एक को छन्नी कर देगी। भलाई इसी में है कि? और तुम्हारी भलाई इसी में है कि हम लोगों को यहां से जाने दो। हैंड्स अप, चालाकी बेकार है। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ। हवलदार, यस सर, पकड़ लो ये लोगों को। ए चलो, ए तुम भी उठाओ, तुम भी चलो, तुम भी चलो, चलो भाई, चलो। अरे उधर किधर गए? अंदर मत भाग, अरे भाग चल साला, मैं तुमको जेल लेके जाऊंगा, डंडा खिलाऊंगा, जेल लेके जाऊंगा, डंडा। उस्ताद जेल का चमचा आ रहा है। और सुनाओ गुरु, कैसे हो गुरु? तुम्हारे साथी की एक फड़क की खबर मिली है। तुझे कैसे मालूम मेरे साथी के बारे में? इतना बंद कर और सीधी तरह ये बता कि खबर क्या है। बता तो दो गुरु, लेकिन कुछ मेरे माल पानी का भी तो ख्याल करो। तुम्हारा साथी रायगढ़ की तरफ गया है। जानती हो माँ, रायगढ़ वाले अब बहुत बदल चुके हैं। अब यहाँ ठाकुरों की मनमानी नहीं चलेगी। कुछ भी कह बेटी, आखिर इस गांव का राजा ठाकुर के बाद सागर बाबू ही तो है। नहीं माँ, ये तुम समझती हो, मैं नहीं मानता ये सब। अब ये देश राजाओं का नहीं प्रजा का है, यानी कि प्रजातंत्र। बिल्कुल ठीक कहा माँ। अरे ठीक क्या कहा, खाक। भैया ठाकुरों के खिलाफ कुछ मत कहना, वरना ये लोग। देख मैं वहां काम जरूर करता हूँ, पर हूँ गांव का आदमी। हाँ अरे राधा कहाँ चली? तुम लोग करो गांव की पंचायत, मैं नहाने चली। अरे गुलाबो चल, चलो। कहा था ना सबसे पहले हम तालाब पे जाएंगे। अबे सागर बाबू ने जिस लड़की के बारे में बताया था ना, लगता है वही है। हाँ 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 पंडल गुलाबी वाली। अबे हट, कहाँ से बीच में टपक जाता है। तो सफेद वाली होगी। अरे वो नहीं, देख वो सफेद वाली है। अरे वही है, चिकने बदन वाली। हाँ। वो पीली चोली वाली? अरे नहीं, अरे वो चिकना चिकना बदन, संभाल करके लाना, हाथ में कहीं फिसल न जाए। अबे चल फूट, चल भाग। हाय हाय बंडल लपेट के। ये ले, ये ले। अरे कहाँ जा रही है? रुकना, मेरे लिए रुक।
बहु बेटियों को छेड़ने का नतीजा देख लिया बंडल लपेट के। तू कहाँ पीछे पड़ गई? बीच में ले आ तुझे छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं मार डालूंगी तुझे मैं। अरे भैया चंडी है ये तो। भाग गया साला। आओ मुनीम आओ, बहुत इंतजार कर रहा। कहाँ है वो लड़की? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे सरकार, अरे काम तो आप, अरे सरकार काम तो आपके मुताबिक ही हो गया था बंडल लपेट के। तो लड़की नहीं लाए हाँ? लेकिन सरकार अचानक न जाने कहाँ से सारे गांव की बहनों का भाई आटप का वो सारी गड़बड़ कर दी। पकड़ा कर दिया सारे भूत का। तुम लोगों ने, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मेरी इजाजत के बिना इस गांव में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मजाक ही करा कर दिया। अरे गजब का फुर्तीला जवान था सरकार। आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। खामोश, अगर वो इस गांव में आया है तो बच के जाएगा। कहां? यहां। आप आई आइए। विजय बेटा तुम कब आए? प्रणाम माँ। खुश रहो। आप कब आए मलिक? मेरे ख्याल से इन लोगों को मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नारायण क्या देख रहे हो, सामान उठाओ, चलो चलो ऊपर चलो, चलो आओ आओ बेटा, आराम करो, थक गए होगे तुम। सुबह नारायण तुम्हें सारा गांव दिखा देगा। तो क्या बताऊं मालिक, मैं तो नौकर आदमी ठहरा। हाँ, दो वर्षों में कितना बदल गया ये गांव। बहुत कुछ मालिक, पूछिए नहीं। अरे वो गोरी कैसी है? गोरी गोरी तो क्या बताओ हुजूर, जब से आप शहर पढ़ने गए तब से कोई भी ऐसा दिन नहीं जब वो आपके बारे में ना पूछती हो। विश्वास ना हो अच्छा? तो वो देखिए सामने, वो आज भी इंतजार कर रही है हुजूर। Thank you.
तुझे प्यार करते करते बीते हर एक जीवन यूं ही युगों युगों तक तन मन का हो मिलन हो हुजूर, आप तो गौरी के इसमें खो गए हुजूर। अरे वो देखिए सामने। खैर छोड़िए इन बातों को, मेरे पास और भी लड़कियां हैं हुजूर। चंपा, चमेली, गुलाबो, बसंती। बसंती भी तो याद आया, मैं चलता हूँ हुजूर। शराबी मामा, चल तेरे बाप के राजे फोकट में दारू पीने चला आता है। पैसा है जेब में, तेरे बाप की दुकान है। अबे हटो, इतने बड़े राजकुमार करोड़पति की बेइज्जती कर रहे हो। अबे ओ करके पति, फोकट के दारू पीने इस शराब की दुकान में तेरा बार आ चुका। तेरा बार? तेरा बार? मैं तो दारू के अड्डे के पिच पर पूरी सेंचुरी बनाऊंगा। अरे 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 शर्म नहीं आती तुम? अरे 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 राम 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 राम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े करोड़पति राजकुमार को तुम लोग जूतों से मार रहे हैं और वो भी घटे हुए। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करके मेरा नशा उतार दिया है। अरे राजकुमार साहब, इन लोगों ने आपकी क्यों बेइज्जती की? क्या आपने इनको पैसे नहीं दिए क्या? कौन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है? मेरी जो चेकबुक है रिजर्व बैंक में रहती है। राजकुमार साहब, मुझे अपना रिजर्व बैंक समझिए। चलिए मेरे साथ, आपको कितने पैसे चाहिए? तुम्हारे कंगाल बैंक में कितने पैसे? धीरे धीरे कड़के लोग सुन ले, आइए मेरे साथ। तुम्हारे में, तुम्हारे बारे में, आप तो बिल्कुल बेहोड़े राजकुमार बन गए। सुनिए, आप मुझे कौन सी गली लेके जा रहे हो? राजकुमार बाबू, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। फिलहाल मैं आपको वहाँ ले चल रहा हूँ जहाँ सागर बाबू लगान वसूल कर रहे होंगे। वो भी नक्शा मैं आपको दिखा दूंगा। वो सागर बाबू भैया को। चंपा, क्या हुआ? माँ, हम लोग लगान कहाँ से दे सकते हैं? ठाकुर के अत्याचार से बचा लो माँ, बचा लो माँ, इस अत्याचार से बचा लो। मुझे तो इस खानदान से पहले ही नफरत है, और जब से सागर बाबू ने लगान अपने हाथ में ली है तब से हम लोगों का जीना हराम हो गया। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों ने और देर की ना तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या हुआ, तुम कहना क्या चाहते हो? सब लोग तो यही समझते है ना कि मैं सागर बाबू का आदमी हूँ। पहेलिया क्यों बुझा रहा है नारायण, साफ साफ बताना। बताता हूँ बताता हूँ, आज पूरी तैयारी के साथ सागर बाबू लगान वसूल करने के लिए आ गया है। क्या? हाँ, मेरी बात पर अभी यकीन नहीं तो वो देखो। आप पहचान लिया? कोड़े मारने से पहले इतना तो जान लेना था कि नारी पर हाथ उठाना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया विजय। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारे जैसा नीच व कमीना आदमी मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। तूने कभी अमीरी के ख्वाबों से निकलकर गरीबी के सच्चाई में झांक कर देखा है? तुम्हारे बरसाए गए कोड़ों ने गांव वालों के दिलों को दहला कर रख दिया है। मुझे माफ कर दो विजय बाबू, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अब पता लगेगा कोड़े की मार का दर्द कैसा होता है। आज के बाद तुम लगान वसूल नहीं करोगे, समझे? वरना क्या मारा ना? बहुत अच्छे गांव वालों, आज के बाद कोई लगान नहीं देगा। इस गांव की सारी जमीन तुम्हारी है, ये जमीन हमारी माँ है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। हाँ, अरे वाह, विजय बाबू की जय। विजय बाबू की जय। विजय बाबू की। मार दिया बे। बस एक से एक और मालिक, फिर देखिए आपका दर्द किधर जाता है। दर्द के बच्चे छोड़ दे मुझे। सबका दर्द तो बराबरी होता है ना मालिक। दर्द के बच्चे छोड़ दे मुझे, हट जा। जब मार लगी है तो दर्द तो होगा ही। दर्द तो होगा ही, ये सब तुम्हारे बेटे की। तुम जाओ। जी
बेटा, सौतेला बेटा कहो, सौतेला दुश्मन, पक्का दुश्मन। इसीलिए तो कहता था, इसी तरह वो दान देता रहा ना तो वो दिन भी दूर नहीं। इसकी नौबत आएगी तब ना। तुम घबराओ नहीं, हम इस दानी को इस दुनिया से ही गायब कर देंगे। देर ना करो, हमें वकील के पास भी जाना है। हाँ जल्दी करो। माँ कहीं जा रही हैं आप? आओ सागर चले। हाँ चलो। कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, अगर जरा सा भी चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो याद रखना। बताओ बताओ, घर में तुम्हारे अलावा और कौन है? बताओ वरना कोई नहीं। लेकिन तुम चाहते क्या हो? मेरे भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं तो खुद पुलिस से भागा हुआ हूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। ये लो पानी। ये तो मर गया। रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब, ये खून तुमने किया है या किसी और ने किया है, ये बात अदालत में चल के कहना। फिलहाल वो लाखों के हीरो का हार मेरे हवाले कर दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर खान, तलाश लो इनकी। यस सर। मैं तो कोई हार वार नहीं लिया, मुझे कुछ मालूम नहीं। देखो जल्दी। सर यहां तो कुछ नहीं मिला सर। हाँ रिवॉल्वर मिला है, वो भी ये खाली है। आइए दिखाइए। साहब आप किस हीरे के हार के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूं, ये घायल अवस्था में मेरे पास आया, इसने पानी मांगा, मैंने पानी दिया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, सच कहता हूं साहब। मिस्टर खान, लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस स्टेशन ले चलिए और आपको मेरे साथ फिलहाल बातचीत के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए चलिए आइए। मैंने सब सुन लिया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक लाखों के हीरे जा कहां सकते हैं? हो ना हो, वो हीरे का हार यहीं कहीं होगा। जरा सोचो, अगर वो हीरे विजय के हाथ लग गए होंगे तो? डार्लिंग, ये हीरे 20 लाख के है और इसे हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर छोड़ूंगा। यहां अंगूठा लगाओ। हाँ अबे मेरा मुंह क्या देखता है, चला के बैठ। जा रहा हूं ना। क्यों बे, दादागिरी कर देगा? ए, जाने दे जाने दे। ये क्या, सिर्फ 10 रुपए? आपने तो 20 रुपए के लिए कहा था बाबूजी। 20 रुपए? अरे जो मिलता है लेके चलती बहन, चल चल। मेरा बच्चा बीमार है बाबूजी, मेरे ऊपर दया करो बाबूजी।
दया करो बाबूजी। अरे पैसे क्या पेड़ में फलते हैं, जो तोड़ा और दे दिया। खोपड़ी खराब मत कर, चल। छी 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 गलत, बिल्कुल गलत। रुपए का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। रुपया तो लक्ष्मी होती है। तुम्हें दवा के लिए पैसे चाहिए ना? तुम्हें पैसा चाहिए ना? जी। मैं दूंगा। आओ मेरे साथ। मुझे दवा के लिए पैसे मिलेंगे? हाँ मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आओ आओ। अरे आओ, अरे आओ भी। आओ जय लक्ष्मी माँ। अरे लक्ष्मी को पर्दे में रखना पड़ता है ना, इसलिए आइए ना। ये गोदाम पूरा तुम्हारा समझो। हाँ हाँ लक्ष्मी तो अंदर रहती है। आओ मैं जय धर्म काटा की। ये सारा का सारा काम। अरे बड़ी गर्मी है रे। लाला जी मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाऊँ, मेरा बच्चा बीमार है। अरे तुम घबराओ नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए ना? हाँ। अभी देता हूँ। हाँ। अभी अभी हाँ। लक्ष्मी को हम वहाँ संभाल कर रखते हैं ना। ये देखो। जितना जी चाहे तुम ले लो। लो 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 बस 20 रुपए। हाँ 20 रुपए बस। लाला जी मुझे सही चाहिए। लक्ष्मी नारायण तो अच्छा नहीं करूंगी। मुझे जाने दीजिए लाला जी, मेरा बच्चा बीमार है, अब मैं जाऊंगी। अरे बंद, मुझे दवाई भी लेनी है। हरामजादे, गायब नहीं हुई, गायब कर दी गई है बंडल लपेट के। अरे बंडल लपेट के। अरे अरे भैया पिछली बार नहीं बोले, काहे बीच में आ जाते हो? ये तो तुम्हें गांव के बहू बेटियों की इज्जत लूटने वक्त सोचना चाहिए हरामजादे। तू नहीं मानेगा हरामजादे। कोई बचाओ। अगर दोबारा इस गांव में दिखा तो जिंदा दफन कर दूंगा, समझे? मालिक। तुम इरावे? बड़ी मुश्किल से बचा करके आया हूँ मालिक, बंडल लपेट के। आए तो बोलो क्या बात है। हाँ तो बोलो क्या बात है। सरकार आखिरी राम राम करने आए थे आपसे और मालकिन से, बंडल लपेट के। क्यों? सरकार, वो छोटे सरकार ने कहा है कि अब इस गांव से तुम अपने बंडल लपेट ले। अगली बार नजर आए तो समझ लो खोद करके गाड़ देंगे। और सरकार जान तो सबको प्यारी है ना मालकिन। ठीक है, उस विजय के बच्चे को तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए इस गांव से दफा हो जाओ। तीर्थ यात्रा पर चला जाओ सरकार। कुछ भी करो लेकिन यहाँ से दफा हो जाओ।
मालिक मालकिन, तीर्थ यात्रा से लौटूंगा तो आपके लिए प्रसाद जरूर लाऊंगा बंडल लपेट के। अब तुम्हारे सागर को कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। नारायण, नारायण, अरे तुम सो रहा है? मालिक मालिक यूं ही आग लग गई। अच्छा ठीक है, सो सो। छोड़ो ना। छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? आप फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं? कौन सी गलती? बड़े मालिक ने दोहराई थी क्या? हाँ मालिक, बड़े मालिक का हार्ट अटैक नहीं हुआ था बल्कि उनका खून हुआ था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे पता था? सागर बाबू ने बाल बच्चे को मार डालने की धमकी जो दी थी। नमहराम झूठ बोलता है, है? नारायण कहां मर गया? चाय लेकर आओ बेटा। चाय? नारायण नहीं है। मां, मां तू? अरे मुझे तो वकील के पास जाना है। चलो जल्दी से नहा धो लेते हैं। जाओ बच्चों, नहाने गए हो ना, जाओ। हस्ते का काटा साफ। चलो किसे ठिकाने लगाए। खींचो ना। जोर लगा के। अरे अरे जोर लगाओ। लगा रही हूँ। अरे क्या करती हो, जल्दी करो। अरे तुम उठाओ ना। कोई आ जाएगा तो उठाओ। और जोर लगाओ, जोर लगाओ। क्या करती हो, जल्दी करो। उठा तो रही हूँ, तुम उठा के ले चलो। तिजोरी की चाबी भी हमारे हाथ में है। मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हम तुम्हारे हाथ में नहीं है बच्चू। हम जो भी है तुम्हारे बाप हैं। और आप उनके होते हुए चाबी तो क्या, ये लौंडिया भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम लोग इसका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूं तिजोरी देखकर। इस हरामजादे को जाने मत देना, समझे? अच्छी है। लेकिन तुम लोग हो कौन? हम लोग बताओ। वो हीरे का हार का बता। कौन सा हीरा, कौन सा हार? वही विजय के। मुझे कुछ नहीं मालूम। बता बता वो हीरे का हार का है, बता। किसी को पता होगा, वो बाहर गया। और जब तक मैं बाहर से अंदर नहीं आ जाता, हम तीनों को इसी हवेली में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो हीरो का हार हमें हर कीमत में चाहिए। और बॉस वो तिजोरी ऊपर का,
तिजोरी खाली है। अरे गुरु, कपड़े में से तो बदबू आ रही है। इसका इंतजाम ये करेगा, ले चलो इसे, ले चलो, चल। चलो शराब डालो। क्या बात है मामा, आज घर बहुत सुना सुना लग रहा है। तुम्हारा मतलब क्या पूछने का भाई? मतलब ये है कि तुम्हारी भांजी कहाँ है? वो तालाब में नहाने गई है। खा मखा किसी दिन अगर मेरा हाथ पड़ गया ना तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ला गिलास दे, कितनी बार कहा है कि शराब मत पिया कर, दे ला गिलास दे दे। नहीं तुम नहीं जानते, ये तो कोल्हापुर से लाया है, ये गन्ने का रस है, ये कोल्हापुर से लाया है। कोल्हापुर से लाई हो या शोलापुर से, शराब आखिर शराब है। खबर धरा दिया तो तो। मैं तो सच्ची बोल और लाला मैं तुझे देख लूंगी, देख लूंगी तुझे। तुम्हारी भाजी बड़े नखरे करते हो। एक गिलास टूट गया तो क्या हुआ? मैं नहीं पीऊंगा, बस मैं मुझे लिए एक गिलास और तुम कितनी पीते मुझे मतलब नहीं। गिलास में तोबा नहीं तो मैं माफ कर। अरे मामा, तुम्हारी ये भांजी बहुत बड़बड़ करती है खामा खा। अरे तो क्या हुआ? मेरे लिए तुम एक गिलास और पी लो, पीलो पीलो बस। मुझे और नहीं पीना भाई, मैं और नहीं पी सकता, मैं बस बहुत हो गई। पीलिए मेरे लिए, पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले शाबाश शाबाश, पीले सो गया। बेशरम कहीं का? क्या हुआ? क्या हुआ? होना क्या था? वो लाला का बच्चा, उसने समझ क्या रखा, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। बाप रे, ये खून है, ये लिपस्टिक है। लिपस्टिक? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बेइज्जत करके गया है वो? अच्छा मेरी समझ में अब आया। मैं देखता हूँ इसकी तो मैं माँ की इतनी इज्जत करता हूँ, ये मेरा उल्लू बना। बताओ इधर का वो और है कहा? बता बता जल्दी। कितनी बार बोलते हैं? कुछ नहीं बता। बताओ इधर का और है कहा? विजय 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 विजय, ये नाम सुन के तो मेरे कान फट गए हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बस करो, इसे छोड़ दो, विजय अब नहीं आएगा। मतलब सीधा ऊपर? ये सच है, दरअसल हम दोनों ने हीरे के लालच में आकर विजय का खून कर दिया। ये सच है, वासना की चमक में मेरी ममता अंधी हो गई थी, और हीरो के हार के लालच में वो अंधी ममता भी मर गई। वाह क्या औरत है तू। पता मेरी माँ, विजय का कत्ल करते तुम दोनों ने कहाँ हार छुपा रखा है? जरा संभल के आ। तो चक्कर पे चक्कर चल रहे हैं, विजय को मारने से पहले तुम लोगों को शक हो गया था, है ना? इसलिए उसने अपनी दौलत के साथ हीरो का हार भी। माँ, अरे माँ, क्या हुआ बेटे? माँ विजय को क्या हुआ? विजय को क्या हुआ? मैंने बहुत भयंकर सपना देखा, मैंने विजय को देखा, उसके साथ कुछ हो गया है। माँ मैं जाकर देख कर आ जा रही है। बेटे उठ, वो देख कहाँ गई राधा, देखना। तू ही दोषी है माँ, ठाकुर खानदान से हमारी दुश्मनी है,
वो वहीं गई होगी। बस कर बेटा, तुम्हें तो बस दुश्मनी की पड़ी रहती है। जरा देख राधा कहाँ गई है। भूल गई माँ, भूल गई। इन लोगों ने किस तरह पिताजी को आग में झुलस झुलस कर मारा था, बस उसी का बदला। आज फैसला हो ही जाएगा। मैं जानता हूं वो कहां गई है। अपने आप को कोई फायदा नहीं माँ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्यार सर चढ़ कर बोलता है, लेकिन मैं भी तेरा बेटा हूं। जा बेटा। भगवान। गंगू, ओ गंगू। क्या? कौन है? चल उठना। क्या यार? चल। ओहो, अबे चलना। मामा, मामा, ओ मामा। कौन है बे? वाह मामा वाह, राजस्थान तो चला गया लेकिन आपकी राजशाही नहीं गई। एक जवान भांजी शाम के इस वक्त घर से गायब है और आप है कि शराब के नशे में यहाँ मस्त पड़े हुए हैं। दादा इधर आई थी क्या? राधा को ढूंढने है तो किशन के पास जाओ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो घोड़े बेच के सो रहा हूँ। अरे अरे ठहरो, मुझे अभी याद आया, तो राधा आई थी और गौरी को लेके पाल वाली गली में गई है। मामा शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों नहीं छोड़ देते? अब ये पीना क्या छोड़ेगा, अब तो इसकी जिंदगी इसे छोड़ने वाली है। शराब की बूंदों ने वक्त से पहले इसके पांव कब्र में लटका दिए। ठहरो, तुम्हारा मतलब है मैं चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता? आओ मेरे साथ, राधा और गौरी इसी तरफ गए हैं। चलो आओ मेरे साथ, मेरे होते हुए किस बात का डरना है। चलो चलो, न जाने दोनों इस भयानक समय में कहां भटक रही होगी। अरे गुरु अपने पत्ते तो दिखा। ये ले पहला गुलाम, ये ले दूसरा गुलाम, और ये ले ये तीसरा गुलाम। अब बोल। ये देख पहली बेगम, अरे ये दूसरी बेगम, अरे बेगम, अरे वाह। गुरुआ, हम यहाँ बदन का खजाना लूटने नहीं आए हैं और जॉनी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफ करना गुरु। जॉन कहाँ है? होगा किसी लौंडिया के पीछे भाग रहा होगा। माल लेकर आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। कहाँ खो गया है? क्या बात है गुरु, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो? ये क्या गुरु, तुम बच्चे के मामूली खिलौने के लिए इतना परेशान थे?
खबरदार जो उसे मामूली खिलौना कहा तो। ये खिलौना नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसके सहारे जॉनी आज तक जिंदा है, वरना ये जॉनी यादों के कफन में लिपटी जिंदा लाश है। हेलो जॉनी साहब। हाँ मैं जॉनी बोल रहा हूँ। आपको तोहफा भेज रहा हूँ, उम्मीद है बहुत पसंद आएगा आपको। क्या क्या कहा, कैसा तोहफा? अगर तोहफा आ भी गया तो वो आप तक वापस पहुंचा दिया जाएगा। चंद ही मिनटों में आपके पास तोहफा पहुंच जाएगा। गोगा बोल रहा हूं। सोनू तो तुम यहां खेल रहे हो? अरे नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता तो हो गया जाने मन, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो हो गई। सोनू ये सब क्या किया है आपने, बिखेर दिए? हाँ अरे हजर नमस्ते मामी जी। अरे रख 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 रख, अरे रखना भी नहीं आता ला। भाभी नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? हाँ बस ये सब तोहफा है, साहब के लिए यही है तोहफा। जी कैसा तोहफा? ये छोटा मोटा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं भाभी जी, ये नजराना खा खा कर तो ही साहब इस टाउन में नए नए आए हैं ना, सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। हाँ भाभी जी सच। अरे इंस्पेक्टर तुम। अरे बेटा चू 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 खेलो तुम। कहो कैसे आना हुआ? क्या कहूँ जू, आप तो हमारे बॉस हैं, बस आपकी नजरें लाए चाहिए। अरे वाह इंस्पेक्टर, बड़े दिलचस्प मालूम पड़ते हो। बस जू सिर्फ ये कहने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ कि ये इलाका जरा खतरनाक है, जरा संभल के। हाँ हुजूर। ये क्या है? ये यहाँ का बेताज बादशाह उबराय का सलाम है हुजूर। ये उबराय किस चिड़िया का नाम? धीरे बोलिए हुजूर, ये दीवारों के भी कान होते हैं। ये ऐसा तोहफा हर नए इंस्पेक्टर को भेजते हैं, वो तोहफा आपको भी भेजा है हुजूर। इंस्पेक्टर तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं ये तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं। उठाओ ये साबर, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। जी चलो भाई, नौकरी बची तो लाखों पैसे। और सुनो इंस्पेक्टर, उस बेताज बादशाह को बता देना कि ये राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र है, अब उसका राज नहीं चलेगा, बाकी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। नमस्ते। नमस्ते साहब। जी साहब। अरे बैठो। नमस्ते साहब। नमस्ते। कहो साहब, ओबेराय साहब ने आपके लिए सलाम भेजा है। काम सारे चोरी करते मुझे लगता है साहब आप नया है। बिल्कुल ठीक फरमाया, बोलो क्या काम है? काम तो छोटा है हुजूर, ये ओबराय साहब ने तोहफा भेजा है, ये देखिए हुजूर। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस करो बस करो, मैं लेके जाता हूँ तोहफा अपना। सुनो, अगर आज के बाद तुम लोगों ने इस इलाके में गुंडागर्दी की तो याद रखना मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। तुम जाओ, अभी नया नया है ना, थोड़ा अकड़ेगा ही ना, अकड़ तो होता है। तुम चिंता मत करो, ओ मैं उसका पुराना आदमी हूं, पूरा काम हो जाएगा। जाओ
वैसेट को बोलना, सब काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हेलो, एडवोकेट बीके दास स्पीकिंग। हाँ हेलो जॉनी, कैसे हो? बदली हो गया हो क्या? मैं ठीक हूँ। भाभी, भाभी तो ना रही है। क्या बात है, आज आप परेशान नजर आ रहे हैं, किसका फोन था? डार्लिंग, हमारी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं लिखा है। हमारे पिताजी ने क्या क्या सपने देखे, पर उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर दी। पर उन्हें क्या मालूम कि इस घर का चिराग कभी नहीं जलेगा। ऐसा मत कहो शेखर, इस घर में आज नहीं तो कल चिराग जरूर जलेगा। मैं चंपा, मुझे लगता है मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तुम माँ बन सकती हो। अच्छा, एक बाबा आए हैं, उनका नाम है दूधनाथ बाबा। क्या कहा? दूधनाथ बाबा? हाँ दूधनाथ बाबा। बोलो दूधनाथ बाबा की जय। दूधनाथ बाबा की जय। दूधनाथ बाबा की जय। बाबा, चरण कमलों में प्रणाम। बाबा, आपकी दया से मेरी पत्नी मां बनने वाली है, आप धन्य है बाबा। उठो बच्चा, अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। बाबा, हम बहुत ही दुखी हैं। क्या कष्ट है बेटा? 10 दिन से हमारी माँ बीमार है बाबा, वो मरण सैया पर पड़ी है, उसे ठीक कर दो बाबा, उसे ठीक कर दो। भोलेनाथ सब ठीक करेंगे बच्चा, दुखी होने की कोई बात नहीं, अब तुम जाओ। जय भोलेनाथ। जैसी मर्जी आपकी। जय भोलेनाथ। और किसी को कुछ दुख तकलीफ है? महाराज। बस बस देवी, मैं तुम्हारे सारे दुख जान गया हूं, तुम्हें संतान दुख है ना, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। रुक्मणी जी, बाबा। देवी जी को दूध स्नान कराओ और इन्हें पूजा स्थल तक ले जाओ। जी। दूधनाथ बाबा की जय। बोलो दूधनाथ बाबा की जय। मैं रघु बोल रहा हूँ। खबर के अनुसार दूध वाला बाबा, बाबा के नाम पर ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। साहब, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाए, बाकी हम संभालते हैं। अच्छा साहब। सही पहचाना, हमें मालूम था कि एक दिन यहां जरूर कोई पुलिस वाला आएगा, इसीलिए तो तुम्हारी मुराद पूरी करने के लिए यहां आया हूं। शुक्रिया, लेकिन आए हो अपनी मर्जी से, अब जाओगे मेरी मर्जी से। पकड़ो साले। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो।
आइए कमिश्नर साहब, तुम इस खेल में बच्चे हो। हम सांप को दूध पिलाना भी जानते हैं और उसके दांत तोड़ना भी जानते हैं। तुमने शायद हमारे यहां का दूध नहीं पिया, लेकिन तुम्हारे साथी को मिला है। वो देखो, देखो शंकर, शंकर तुम हाँ मैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं यहाँ कैसे, शायद कभी कानून की दुनिया से निकलकर क्राइम की दुनिया में झांकने की कोशिश करो। शट अप! तुम शराब और शबाब के नशे में भूल गए हो कि तुम जैसे कानून से खिलवाड़ करने वाले को फिर देखोगे आप कहाँ और मैं कहाँ। सुन लिया, तुम्हारा आदमी तुमको सलाह दे रहा है। अरे ये मुझे क्या सबक दे रहा है? कर कहां जाओगे तुम? इस वजह से मुझे कुछ नहीं मालूम। सच कहता हूँ सर, मेरी बात मानी है ना सर? सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। कुछ नहीं, कुछ चल, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, चल मेरे साथ, चल। सर ये तो अच्छा हुआ आपकी गोली बांह में लगी। ये सब खेल उस नए इंस्पेक्टर का है। बॉस मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस का कुत्ता पुलिस को कुछ बता ना दे। हाँ सर, वो मर जाएगा लेकिन बताएगा कुछ नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लाइट, भगवान के लिए लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट अब भी वक्त है, सब कुछ बता दो। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर। तुम सब कुछ जानते हो, जानबूझकर बताना नहीं चाहते हो। भगवान के लिए मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, आप मानते क्यों नहीं? मानो बताओ जबकि तुम सच सच बताओगे। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं निर्दोष हूँ, मुझे जान से मार डालिए। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा। हेलो, यस बोल रहा हूँ। शायद तुम ठीक कहती हो। रका साका। यस बॉस। यस बॉस। इससे पहले कि वो जुबान खोले उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। ठीक है, चल। मेरी बात तो सुनिए सर। चुप। आप तो बेफिजूल मार रहे हैं सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी बहन थी, शी इज माय सिस्टर। हवलदार क्या बात है? ये राह चलती लड़की को छेड़ रहा था सर। चुप है। तीन दिन से भूखे हो, लो खाना खा लो, खा लो। हाँ क्या है? नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए बोला ना, मुझे नहीं चाहिए खाना। ले जाओ खाना, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। नहीं चाहिए ना खाना, नहीं चाहिए मुझे खाना। क्या खा, भूख तो लगी है, खाते हैं। अपन तो ओबराय सेठ से सुपारी लेके मुश्किल में फंस गए बाप। मुश्किलों को आसान करना इकबाल के बाएं हाथ का खेल है क्या? च,
चला इधर, चला आजा। चल। क्या हुआ? इसको तो गोली लगी है। सर, 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 वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग मुजरिमों के हर अड्डे का पता कर लेंगे। सर गजब हो गया। एक मिनट सर, खून हो गया। क्या हुआ? आइए मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आता हूं। जी सर। मैं जानता था तुम लोग जरूर कामयाब होगे और सलामती से लौट आओगे। इस खुशी में खाओ पियो और ऐश। आओ इंस्पेक्टर बैठो। मैं यहां बैठने नहीं, मैं तुम्हारी सारी काली करतूतों का पर्दाफाश करने यहां आया हूं। बहुत गुस्से में हो। लो ये जाम लो, गले में घूंट अंदर जाते ही सारा गुस्सा उतर जाएगा। लो। जाम तो मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पिलाऊंगा। फिलहाल इंस्पेक्टर शंकर के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यूं तो तुम बिल्कुल बच्चे हो, कानून का तुम्हें जरा भी इल्म नहीं। मतलब? मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले उसके दांत गिन लेने चाहिए। मैं दांत गिनता नहीं, तोड़ना जानता हूं। इस कार्ड को पहचानते हो? मेरा कार्ड है। ऐसे कार्ड तो दिन भर में ना जाने कितने लोगों को बांटता हूं। इस कार्ड का मतलब यह तो नहीं कि खून मैंने किया है, और अगर किया है तो जाओ पहले कोई ठोस सबूत लाओ, उसके बाद गिरफ्तारी का वारंट लाओ, और फिर जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत पछताओगे उपराय सेठ, बहुत पछताओगे। जिस दिन सबूत मिल गया फिर उसके बाद तुम्हारी शराफत का नकाब बेनकाब नहीं किया तो मेरा नाम जॉनी नहीं। बच्चा है। बॉस आप कहे तो मैं ठिकाने लगा दूं। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। सावित्री तुम सुनिए। सावित्री वो मैं कह रहा था नाश्ता तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो मेरी छोड़िए। क्या कर रही हो? छोड़िए माँ, क्या कर रही हो? छोड़िए, पापा कुछ नहीं कहेगा। अरे पापा छोड़िए, क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा था बस एक बार, बस एक बार। अब अच्छा वो आप नाश्ता कह रहा था कि मेरे छोड़िए मुझे जाने से। छोड़िए, वो पप्पू देख रहा है। छोड़िए तो ऑफिस की। अच्छा छोड़िए तो, मैं कह रहा था कि मुझे ऑफिस जल्दी। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। इंस्पेक्टर जॉनी, हम लोग दिल्ली से सीबीआई ब्रांच से आए हैं। हेलो जॉनी। हेलो, इट इज माय आइडेंटिटी कार्ड। एक भागा हुआ अपराधी कई खून करने के बाद आपके इलाके में घूम रहा है, हमें उसके बारे में इंक्वायरी करनी थी। आप उसके बारे में बता सकते हैं? उसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस वक्त मुझे खास मीटिंग पर जाना है, आप लोग कहते हैं तो आइए मेरे साथ। अरे तू देख क्या रहा है? इसकी आंखों पे पट्टी बांध। हे तुम लोग पट्टी, तुम लोग मुझे पट्टी क्यों बांध रहे हो? बांधो बांधो, अरे हाथ क्यों बांध रहे हो? हाथ बांधो, चलो उतरो। Thank you.
मुझसे क्या चाहते हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? खबरदार, चल चलो चलो सीधी तरफ। मैं कहां हूं? मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी गई है? इसलिए कि हम तुम्हें बुराई दिखाना नहीं चाहते। खोल दो पट्टी इसकी। कौन हो तुम? सामने आकर बातें क्यों नहीं करते हो? बात नहीं करना, ये अपना इलाका है क्या? पकड़ो इस हरामजादे को, जाने मत देना। पकड़ो। देखो, हिलने मत देना। आज हम इसे सारी दुनिया हिलती हुई दिखाना चाहते हैं। पिलाओ इस हरामजादे को शराब और डाल दो इसको चलती हुई जीप में, ताकि इस कुत्ते की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। पिलाओ इस हरामजादे को शराब, जी भरकर पिलाओ। छोड़ दो, मुझे कहां ले जा रहे हो? अबे चुपचाप चल। मैं नशे में हूं, छोड़ दो। चलता है तुम्हें, चुपचाप चल। ए इसको जीप में बैठा।
के बयानात और सारे सबूतों को और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, मुजरिम जॉनी ने पुलिस की वर्दी पहनकर उसका दुरुपयोग किया और शराब पीकर गाड़ी चलाई और कई लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दफा 302 के तहत मिस्टर जॉनी को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा देती है। माफ करना यार, अनजाने में ही तुम्हारी दुखती रग को छेड़ दिया। जिंदगी में मैंने पहली बार देखा कि खिलौने में भी जान होती है। सागर, खाना खा लो। सबकी नजरों से बचते बचाते लाई हूँ। विजय जी, क्यों? मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गई। वैसे भी तो तुम दोनों ने मुझे मार ही डाला था। बेटा मत कहो मुझे बेटा, तुम माँ नहीं, माँ के नाम पर एक कलंक हो। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर थी, मुझे इन लोगों ने बहका दिया था, मुझे मजबूर होके इनके इशारों पर नाचना पड़ा। मैं तेरी मां हूं। इसी हीरे के लिए तो मैं यहां आया था। विजय का मर्डर करने के बाद जब उसे दफनाने जा रहे थे, अचानक मेरी नजर पड़ी और ये तो जिंदा है, इधर आओ। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंट होश में आ गया। कितनी देर पहले मरीज होश में आया? थोड़ी देर पहले सर। गुड, वेरी गुड, आओ चलते हैं। रुकिए, मरीज को सदमे की वजह से घबराहट ज्यादा है, इसीलिए आप ज्यादा बात ना करें। मिस्टर आनंद, इफ यू डोंट माइंड। अच्छी बात,
मिस्टर विजय, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? बताना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यह सुनने के बाद दुनिया का हर बेटा अपनी मां पर भरोसा करना छोड़ देगा। इस साजिश के पीछे मेरी सौतेली मां और मैनेजर का हाथ है। इस तरह मैं यहां पहुंचा। ये इंस्पेक्टर, अगर वाकई में तुम एक सच्चे पुलिस अफसर हो तो इस हीरे के हार को सरकार के हवाले कर देना। पुलिस ऑफिसर ने तुझे कैसे मालूम? हैं? अरे ये तो बेहोश हो गया। प्रीति डार्लिंग, ये हीरे का हार अब तुम्हारे गले का हार है। जो अपने पति और बेटे की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी। यह हार सिर्फ मेरा है और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोकूंगा सागर, मैं। जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम यहां से हिल नहीं सकते हो। तू बच कैसे गया? फिर एक बार मुझे मेरे जिगर के टुकड़े ने मुझे बचाया है। अब तू बच के नहीं जा सकता सागर। तेरे तो हाथ कांप रहे हैं। तू क्या गोली मारेगा? हाँ सागर, मैं कहता हूं रुक जा वरना गोली मार दूंगा। तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से करोड़ों का हार लेकर चले जाओगे? इस पर तुम्हारा नहीं तुम्हारे इस बाप का अधिकार है। रॉबर्ट, छोड़ मुझे। Thank you.
लालच पूरी भला है।